अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme के C3 के बारे में। पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी, इसको क्या आपको बाय करना चाहिए या फिर Infinix का फ़ोन लेना चाहिए, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तमाम आपको स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब आपने कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें OS की बात करते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा और Realme का UI 1.0, और इसके साथ आपको कलर OS 7 भी देखने को मिल जाएगा इसी फ़ोन के अंदर, क्योंकि ये ओप्पो का सब ब्रांड है, इसीलिए आपको इसमें ये कलर OS 7 भी देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चिपसेट की बात करते हैं। तो चिपसेट इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 देखने को मिलेगा, जो कि न्यू चिपसेट है और 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप पबजी वगैरह भी इसमें खेलते हैं तो अच्छा प्ले कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको ये 4 GB और 64 GB वाला चूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्राइस में तो 2000 के करीब डिफरेंस हो सकता है, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की हो जाएगी अगर पबजी के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो। इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिलेगा, 6.5 इंच का है। तो बैक में आपको जो कैमरा सेटअप मिलेगा वो ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें आपको 12 MP का लेंस मिलेगा और उसके साथ 2 MP का डेप्थ लेंस मिलेगा। फ्रंट पे आपको 5 MP का कैमरा मिलेगा, जिसमें आप 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम रेट्स के साथ। तो बैटरी इसमें 5000 mAh की यूज़ की गई है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये फ़ोन पबजी के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको आप 10 W चार्जिंग के साथ साथ चार्ज कर सकते हैं इस बैटरी को, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी बैटरी भी। इसमें जो 5000 mAh की बैटरी है उसको आप एज आ पावर बैंक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो इसकी 5000 mAh की बैटरी है। अगर आपके किसी दूसरे फ़ोन की बैटरी कम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, तो एज़ आ पावर बैंक भी ये वर्क करेगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है पबजी के लिए भी। तो इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तान में 20,000 के राउंड अबाउट ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर Infinix मार्केट गेन करना चाहता है पाकिस्तान में तो इसकी प्राइस यही होगी, और इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो 7,000 के करीब है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है Infinix के मुकाबले में। इसमें लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया गया है, तो 4 GB 64 GB वाला तो मुझे बहुत ही कमाल का लगेगा अगर वो पाकिस्तान में लॉन्च होता है। पाकिस्तान में इसकी जो लॉन्च डेट होगी वो फरवरी के लास्ट यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। ऑफलाइन मार्केट में भी ये बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।